गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछादल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को हमें यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे गोपी गीत है, कैसे ब्रज की गोपियाँ अपना घर में बैठी हुई और अपना मान मनस मंदिर में कैसे देख रहे हैं कृष्ण सखाओं को साथ में वृंदावन में दिव्य वृंदावन में कैसे गैया चराने के लिए गए और एक दूसरे से आपस आपस में चर्चा कर रहे हैं कृष्णा कितने सुंदर हैं। इसलिए भागवत में कृष्ण की सुंदरता को विषय में यद्यपि बहुत श्लोक है, गुरुदेव कहते हैं उसमें विशेष करके तीन श्लोक है। एक तो मथुरा के रमणियों ने एक श्लोक बताए कृष्ण की सुंदरता में, और एक पितामह ब्रह्मा जी और एक सी ब्रज की गोपियां वासी राधा रानी कृष्ण की सुंदरता को ऊपर नहीं बताए। कहते कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जिस श्लोक को एक बार सुन करके वो पहले संपूर्ण ब्रह्म में डूबे हुए थे, लेकिन कृष्ण इतने सुंदरता है वो एक श्लोक सुन करके उनको जो ब्रह्म ज्ञान था वो ब्रह्म ध्यान टूट गया और उनने सब कुछ छोड़ छाड़ करके कृष्ण भजन करने के लिए आ गए। इसलिए ये श्लोक इतने मधुर श्लोक है जिसको स्वयं राधा रानी उच्चारण की। बोले बराहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक गभिषयम वैजयंती च मालाम रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। इस श्लोक को ऊपर में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और गुरुपाद पद्म बड़े सुंदर इसको व्याख्या करते हैं। भले बरहा पीड़म कृष्ण अपना सर के ऊपर में मयूर पंख लगाते हैं। बोले मयूर पंख क्यों लगाते हैं, इसका क्या रहस्य है। कहते हमारे टीकाकारों ने अलग अलग इसको ऊपर में व्याख्या किया है, उसको कम से कम पांच अर्थ बताए कृष्ण क्यों मयूर पंख लगाते हैं। इसका पहला कारण बताए जब श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज मंडल परिक्रमा करते करते जब बहुला वन में पहुंचे देखा कैसे एक वृक्ष के ऊपर में मैना और तोता बैठे हुए, बैठ करके एक कृष्ण का पक्ष और एक श्री राधा रानी की पक्ष लेकर के आपस आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैना तोता कहता है मेरे जो श्याम सुंदर सर पर मयूर पंख लगाते हैं। मैना कहते तेरे को पता है कृष्ण ये मयूर पंख क्यों लगाते हैं। बोले क्यों, बोले उसमें हमारे श्री किशोरी श्री राधा के नाम लिखा, श्री राधा रानी का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए कृष्ण
मधुर पंखा लगा करके मानो श्री राधा रानी के नाम को संपूर्ण दुनिया में घोषणा कर रहे हैं। कहते ये एक कारण है। दूसरा कारण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताए, मयूर तभी नृत्य करता है जब आकाश में मेघ छा जाए और उसमें बिजली चमकने लगे और उसमें घड़घड़ घड़घड़ शब्द हो, तो मयूर फिर थिरक थिरक कर नृत्य करता है। एक समय कृष्ण बंसी बजा रहे थे और कृष्ण का स्वरूप जैसे कैसे है, नभ जलधर घन श्याम घन मेघ जैसे, और पीताम्बर कैसे, कहते जैसे स्थिर विद्युत है, और कहते जो बंसुरी बजा रहे थे जैसे उसमें गड़गड़ गड़गड़ शब्द हो रहे थे। इतने में मयूर पंख खोल करके बड़े सुंदर थिरक थिरक करके मयूर ने नाचना शुरू कर दिया। जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है क्या होता है, वो मन खुश रहता है, फिर सामने वालों को जो इच्छा उसको दे देता है। अभी मयूर ने देखा कृष्ण की वजह से हमने इतने सुंदर नृत्य की, इसलिए कृष्ण को कुछ देनी चाहिए। बोले क्या दो, मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पंख ही मेरे पास में। इतने उसने अपना पंख को उसने झाड़ दिया, उससे एक मयूर पंखा गिरा, तो कहती है प्रेम का उपहार है। जैसे कोई नृत्य करता है ना, हम 10 रुपया 100 रुपया लेके से घुमा घुमा कर उसको देते हैं, ऐसे ही कृष्ण कोई प्रेम का उपहार है। तो प्रेम का उपहार कृष्ण कहाँ पर धारण करे, प्रेम का वस्तु तो सर्वोच्च स्थान जो उनका जो सर है, कृष्ण लेकर के अपना सर में ये मयूर पंख को लगा लिया। कभी इसका दूसरा कारण है। भले कृष्णा मयूर पंख लगाते हैं, इसका तीसरा कारण क्या है? कभी बरसाना में राधा श्याम सुंदर और राधा रानी मयूर और कभी मयूरी कभी बने थे। एक समय राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, सामने एक शीशा थी, दोनों का परछाई शीशा के ऊपर पड़ रहा था। इतने में राधा रानी श्याम सुंदर से बोले, थोड़ी सी मेरे रूप का वर्णन ना करोगे? इतने में कृष्ण ने बोले, तुम्हारी जो रूप है ना चंद्रा, थोड़ी सी रूप है। फिर बोले आननी, राधा रानी तो बिगड़ गई। बोले हो, लगता है चंद्रावली की आपको याद आ गया है, इसलिए आप चंद्रा बोल करके फिर आननी बोले। इतने राधा रानी बोली, श्याम सुंदर आप जैसे ऊपर से काले है ना, आप अंदर से भी कम काले नहीं है। आप मेरे को मुख चंद्र को कैसे आपने चंद्रमा को साथ में उदाहरण दिया? आपको पता है चंद्रमा में कितने दोष है? उसमें पहला दोष है तो चंद्रमा में उसमें घटती और बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र, फिर प्रथमा द्वितीया करते करते अमावस्या को पूरा खत्म हो जाती है, और चंद्रमा में एक धब्बा भी, उसमें एक दाग भी है। और चंद्रमा निकली कहाँ से? बोले समुद्र से। बोले समुद्र का पानी तो नमकीन ही है, मैं तो वृषभानंद महाराज की मैं लाड़ी लाल ली हूँ, और मेरे मुंह में क्या कोई धब्बा है, कोई दाग है? क्या मेरी सुंदरता कभी बढ़ती और कभी घटती है? बोलते आप तो ऊपर जैसे काले अंदर से काले, में तो जा रही राधा रानी तो मान करके जा रही थी। इतने में श्याम सुंदर मनाने के लिए कोशिश की, लेकिन राधा रानी मानी नहीं। मानी नहीं तो इतने में राधा रानी ललिता के पास में जाती है। कृष्णा बोले, ललिता ये बताओ राधा जी की मनाओ कैसे? बोले एक काम करो, राधा रानी को मौर नृत्य बहुत पसंद है, अब मौर बन करके नृत्य करो। इतने में कृष्णा मौर बन करके, जितने मौर नृत्य कर रहे थे उनको बीच में नृत्य कर रहे थे, लेकिन ये सारे मयूर तो एक तरह से नृत्य कर रहे थे, लेकिन ये जो कृष्ण रूपी जो मयूर, ये तो बड़े हाव भाव से नृत्य कर रहा था। बोले क्यों? उनको श्री राधा रानी को रिझाना है, श्री रकिशोर जी को। इतने में राधा रानी ललिता से बोले, ललिता ये बताओ, सारे मयूर तो एक तरह से नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये मयूर तो दूसरे तरह से नृत्य कर रहा है, और ये मेरे मन प्राण चित्त को ये क्यों खींच रहा है? क्योंकि श्याम सुंदर को छोड़ करके मेरा मन तो और किसी में भी नहीं लगता है। बोले राधे, ये और कोई नहीं, ये श्री श्याम सुंदर ही ये मयूरणी बन करके आपको रिझाने के लिए नृत्य कर रहे। फिर कृष्णा, फिर राधा रानी, ये श्याम सुंदर, फिर राधा रानी मयूरणी बन करके दोनों वहां पर नृत्य किया है। इसलिए कभी राधा रानी से मयूरणी बनी थी, उसकी स्मृति के लिए श्याम सुंदर सर पर मयूर पंखा लगाते हैं। और जो मयूर ये ब्रह्मचारी, भगवान ब्रह्मचारी को बड़ा प्यार करते हैं,
हृदय में बैठा कर रखते ब्रह्मचारी को, इसलिए भगवान ये मोर पंख लगाते हैं। ये चौथा कारण। पंचमा कारण बताए, कृष्ण जब रास्ता में चल रहे थे, देखा रोड के ऊपर में एक मोर पंख पड़ा हुआ। मोर पंख ने कहा, श्याम सुंदर, मैं जिसको पीछे लगा था ना, उसने मेरे को छोड़ दिया, त्याग दे दिया, देखो मैं कैसे रोड के ऊपर पड़ा हुआ। कृष्ण बोले, कोई चिंता नहीं, दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछते हैं, उसको पूछने वाला मैं हूँ। इतने में कृष्ण मोर पंख लगाए उठाए और अपना सर पर लगा दिए। इसलिए बोले, बरहा पीड़म। और सर पर जो मोर पंख लगाते हैं, बड़ा सुंदर उनको लगता है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताए, कृष्ण का जो केस कैसे एकदम घुंघराले, बड़े सुंदर काले केस है। फिर मैया जशोदा केस को सुंदर रूप में श्रृंगार मणि मुक्ता से श्रृंगार करती हैं, और यहाँ पर मयूर पंख लगाती। जब लगाती, जैसे मयूर पंख में 7 रंग है, इंद्रधनुष है। अरे इंद्रधनुष कब दिखता है? जब रिमझिम रिमझिम बारिश हो, आकाश में काला मेघ घना मेघ छाया हुआ हो, सूर्य का किरण एक तरफ से पड़ता हुआ हो, फिर आकाश में इंद्रधनुष दिखता है। उसी तरह कृष्ण का जो सुंदर जो काले काले केस है, मानो ये काला मेघ है, और सर पर जो मोर पंख है, मानो इंद्रधनुष जैसे 7 रंग तरह इंद्रधनुष जैसे सुंदरता दिखती है। कृष्ण जब मोर पंख लगाते हैं, बड़ा सुंदर कृष्ण बड़े सुंदर दिखते हैं। इसलिए बोले, बराहा पीड़म नटवर बपुहु। बोले भगवान की जो स्वरूप कैसे, बोले नटवर। इसलिए नटवर मतलब जितने सारे शंकर जी को बताए, ये नटराज है। हाँ? जितने सारे नृत्य का नृत्य विद्या में ये राजा है, लेकिन कृष्ण कौन है? बोले नटवर मतलब शंकर जी के जो पति। बोले शंकर जी के पति कैसे हो गए? हाँ? बोले कृष्ण जब रास लीला की, शंकर जी गोपीश्वर बन करके आए थे, और गोपियों का पति कौन है? बोले कृष्ण है। इसलिए कृष्ण नटवर है। और पुराण में बताया, गिरित्र रमार्चित पद। बोले कृष्ण का चरण कैसे है? बोले शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु। जिनके चरण को स्वयं शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, श्री लक्ष्मी स्वयं चरण पलटती है, स्वयं गणेश जी, और जिनकी इनकी अर्चित पद किसका पद है? श्री श्याम सुंदर के। इसलिए कृष्णा नटवर है। जितने सारे नृत्य कलाओं में ये सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला। शंकर जी को पहले बड़ा अभिमान था, कहते सबसे सुंदर नाचने वाला तो मैं हूँ, मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं नाच सकते। लेकिन कृष्ण जब कालिया के 100 फणे के ऊपर में कृष्ण नृत्य की, और वो एक साथ कृष्ण को काटना चाह रहा था, कृष्ण एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे, हाँ, जिसको शंकर जी देख करके बोले, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 फन पऊ पर, बिंग 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 बिनत करत नागवधू आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 काधिक गन 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 गंधर्व गण, नम 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 नारद मुनि सब देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी। इसलिए शंकर जी कृष्ण का नृत्य देख करके कहते, प्रभु आपको बलिहारी हो, आपको जय जयकार हो। बोले श्री कृष्ण के नहीं लाल की, बोले श्री कालिया नथन भगवान की जय। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कृष्ण नटवर है। शंकर जी कहते हैं, प्रभु मेरे सारे अभिमान चकनाचूर हो गया है। इसलिए कृष्ण भी दिखाया, देखो कोई गिलास या ऊपर नृत्य करता है, कोई सर पर कलसी लेकर नृत्य करता है, कोई रस्सी ऊपर नृत्य करता है, कोई तलवार ऊपर नृत्य करते हैं। आपने कभी देखा है सांप का सर के ऊपर कोई नृत्य करने वाले? इसलिए जिसको देख देख करके शंकर भी, बलिहारी हो प्रभु आपकी, बलिहारी हो गई भगवान की। इसलिए
भगवान की जो स्वरूप है नटबर है, इसलिए कृष्ण जब चलते हैं क्या लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई नृत्यकार जैसे चल रहा है, जैसे लग रहा है कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो नृत्यकार श्री श्याम सुंदर, जिसने रास लीला में ब्रज गोपियों के साथ में जो नृत्य करते हैं, इसलिए नटवर बपु, इसलिए उनका स्वरूप नटवर बपु। बोले कर्णयो कर्णिकारम, बोले यहाँ पर कर्णयो दो कान बताए, लेकिन दो कान में एक कनियर पुष्प धारण करते हैं। बोले क्यों, बोले ये अड़हलपन है, कृष्ण जब सखाओं के साथ में मस्ती से चलते हैं, कभी एक कनियर फूल यहाँ निकाल कर कभी इधर लगा देते, इधर निकाल कभी इधर लगा देते। और एक कारण बताए, कृष्णा जब नंद भवन में होते हैं वो गोपियों से ये नहीं बता सकते हैं आज मैं कौन सा दिशा में गया चराने के लिए जाऊंगा, वो नहीं बता सकते हैं, इसलिए उसी समय ये कनियर पुष्पों का व्यवहार करते हैं। कनियर पुष्प ऐसे होता है, कृष्ण जिधर जाएंगे कान पर लगा कर ऐसे करते थे। तो गोपियाँ कभी इस आज मैं तो सखाओं के साथ इस तरफ में जाऊंगा गया चराने के लिए, इस तरफ में सबके सब इधर आ जाना। इसलिए विशेष करके गोपियां जब अटालिका ऊपर में खड़ी रहती हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए, उसी समय कृष्ण भी कनियर पुष्प लगा करके उनके तरफ में दिखाते हैं, उनका तरफ में प्रेम को प्रकाश करते हैं। बोले कर्णे हो कर्णिकारम, बोले बिभ्रत भास कनक कपि स्वयं, बोले उनका जो वस्त्र है, बोले भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। बोले पीताम्बर क्यों धारण करते हैं, बोले कारण है राधा रानी का जो अंग का रंग है, बोले तप्त कांचन गौरांगी, वो तप्त कांचन गौरांगी, उनका शरीर गौर वर्ण की, इसलिए कृष्ण पीताम्बर पहन करके राधा रानी के प्रति अपना प्रेम का अभिव्यक्ति करते हैं। और जो राधा रानी जब जो वस्त्र पहनती हैं, बोले नील वसना गौरी रूपे गुण धन्या, राधा रानी नील वस्त्र धारण करती, बोले क्यों, बोले कृष्ण का जो रंग है नील, इंद्र नीलमणि कृष्ण रूप कहानी, इसलिए दोनों दोनों के ऊपर अपना प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए बोले बिभ्रत बास है, जैसे आकाश में घना मेघ में बिजली चमकती है, वो तो झट चमक करके अंतर ध्यान हो जाती है, लेकिन कृष्ण के शरीर में बोले विद्युत जैसे, माना स्थिर विद्युत जैसे है, एकदम विद्युत स्थिर रूप में कृष्ण के स्वभाव को बढ़ाया बढ़ाता है। बोले बिभ्रत बास बोले कनक कपि स्वयं वैजयंती च माला, कृष्ण के गले में जो फूलों की माला उसको वैजयंती माला बताए, कहती ये गले से लेकर चरण तक ये पुष्पों की माला है, कभी पांच रंग का कभी सात रंग का धारण करते हैं, और उसका जो रंग है अलग अलग रंग है अलग अलग पुष्पों को द्वारा। बोले क्यों, बोले पांच रंग का पुष्प माला जो धारण करते हैं मानो भगवान की पांचों रसों से भगवान की भक्ति होता है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, ये पंच रस है। और भगवान के पांच तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त प्रेमापर और प्रेमातुर, मानो कृष्ण सारे भक्तों का अपना हृदय में धारण करके रखे ठाकुर जी। और एक एक रंग का भी कहीं कहीं वर्णन किया है, एक एक रंग का अलग अलग रस का अभिव्यक्त करना है, कहीं शांत रस का कहीं दास्य रस का कहीं सख्य रस का कहीं वात्सल्य कहीं मधुर रस को वो इंगित करता है। इसलिए वैजयंती च मालाम बल रंध्रान पेणु रथ रस उदया पुरया न गोप वृंदई, कृष्णा बजाते हैं क्या, बल बंसुरी बजाते हैं। बंसुरी क्यों बजाते हैं, कहते बंसुरी में दो तीन विशेष गुण हैं, पहला गुण है उसका अंदर पोला खाली होता है, और दूसरा कृष्ण जैसे चाहते हैं जैसे फूकते हैं उसमें ठीक वैसे आवाज निकलता है, इसलिए कृष्ण सिखा देते हैं मेरे पास में आओ तो ये बंसुरी बन करके आओ, हृदय एकदम खाली करके आओ, फिर अपना प्रेम से मैं अपना तुम्हारे हृदय में भर दूंगा। इसलिए कृष्ण कभी कभी राधा रानी कहती हैं मैं अगले जीवन में और ये राधा रानी नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके आऊंगी, ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में इसे क्या तपस्या किया, कभी कृष्ण उसको हाथ में धरते हैं कभी कमरे में कभी अधर में, कृष्ण कभी छोटी बंसुरी को है,
लेकिन हम कृष्ण गोप, हम गोपी कृष्ण का अजरामृत में हमारे अधिकार, लेकिन ये तो हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारा सारे अधिकार को यही छीन रहा है। इसलिए बोल रंध्रा वेणुरथर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत तद गीत कीर्ति। कहते कृष्ण सारे अवतार में पादुका धारण किया है, लेकिन कृष्ण ऐसे एक अवतार हुए जिस अवतार में उन्होंने कभी पादुका उन्होंने धारण नहीं किया। नंगे प्यार में सर्वत्र नंगे प्यार में उन्होंने भ्रमण किया, और कृष्ण जब चलते थे उनका चरण चिन्ह को प्राप्त करके पृथ्वी इतने प्रसन्न अपना हृदय में धारण करते हुए शंख चक्र गदा पद्म ध्वज वज्र अंकुश आदि हृदय में धारण करते हुए कितने प्रसन्न होते थे। अहो भाग्य भगवान कृष्ण नंगे प्यार में वृंदावन में चलते हैं, उनका चरण का चिन्ह मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में चलते थे वृंदावन धाम में प्रवेश करते थे, सखा लोग कृष्ण की जय जयकार करते थे, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हाँ। इसलिए जय जयकार करते हुए वृंदावन धाम में प्रवेश करते थे। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कृष्ण की सुंदरता तीन जगह में आया, तीन श्लोक में है, तीन श्लोक में। और एक श्लोक है जिसको पितामह ब्रह्मा जी ने कृष्ण की सुंदरता को वर्णना की, और सुना नहीं दे सकते। तो समय है फिर कल, कल फिर वो आएंगे, कल आएगा वो तुम्हारे भैया भैया आएंगे ना, फिर कल बोले ठीक है। इताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।